पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के द्वारा बच्चों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पहले से भी कई सारे बांग्लादेश की सड़कों के फोटो डालकर उन्हें मध्य प्रदेश का बताकर झूठे ट्वीट करते रहे हैं और मध्य प्रदेश को बदनाम करते आ रहे हैं। अब ऐसा ही नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी कर रहे हैं। उनके द्वारा बिहार का एक फोटो डालकर उसे मध्य प्रदेश का बताकर मध्य प्रदेश को बदनाम किया जा रहा है और जीतू पटवारी का सच अब उजागर हो गया है तो उन्होंने वह ट्वीट डिलीट कर दिया। पर जीतू पटवारी को झूठ फैलाने के लिए माफी मांगना चाहिए। भाजपा की सरकार है, हमेशा सच्चाई की राह पर चलती है। कांग्रेस सदैव से मध्य प्रदेश को बदनाम करने का काम करती है, वह झूठे मुद्दे सामने खड़ी करती है कि कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार को बदनाम किया जा सके। हमने पूर्व में भी देखा कि दिग्विजय सिंह बांग्लादेश की पुल के और सड़कों के फोटो ले आते हैं, कमलनाथ जी बांग्लादेश की सड़कों के और पुल के फोटो ले आते हैं और उसको मध्य प्रदेश से जोड़कर ट्वीट करते हैं और मध्य प्रदेश को बदनाम करने का काम करते हैं। इनके झूठ कई बार सामने आ चुके। अब मध्य प्रदेश के जो नवनियुक्त अध्यक्ष है जीतू पटवारी, उनका एक ट्वीट सामने आया, जिस वीडियो को उन्होंने ट्वीट में पोस्ट किया बताया जा रहा है वो बिहार का है और उसको उन्होंने मध्य प्रदेश के जबलपुर का बता के मध्य प्रदेश को बदनाम करने का काम किया है, मध्य प्रदेश को कलंकित करने का काम किया है। लगातार कांग्रेस झूठ परोसकर भाजपा सरकार को बदनाम करने का काम करती है क्योंकि उसके पास मुद्दों का अभाव है, झूठे मुद्दे खड़े करती है। जीतू पटवारी का झूठ सामने आ चुका है और जब झूठ सामने आया तो उन्होंने ट्वीट डिलीट भी कर दिया, लेकिन उन्होंने झूठ बोलने का जो महापाप किया है उसके लिए उन्हें प्रदेश की जनता से माफी मांगना चाहिए क्योंकि लगातार कांग्रेस इस तरह के कृत्य करती है झूठ बोलने के जो उनके सामने आ चुके हैं, और जीतू पटवारी का भी इस तरह का झूठ सामने आया तो उनको प्रदेश की जनता से झूठ के लिए माफी मांगना चाहिए। लेकिन वह जान लें कि कितना भी झूठ कांग्रेस परोस ले, प्रदेश की जनता सच्चाई जानती है कि भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश को विकास के मामले में आगे ले जा रही, हर श्रेणी में आगे ले जा रही। कांग्रेस कितना भी बदनाम करने का प्रयास करे वो